है, तो नोस्ट्रिल का एग्जाम्पल्स, ओके, देन नोस्ट्रिल के बाद में फिर ईयर पिना का एग्जाम्पल लिया है, आई स्ट्रक्चर्स, तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल है, मींस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज शो की गई है. देन नेक्स्ट है, देखो प्लांट्स में बताया है लीफ शेप, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, पिटियोल और लीफ पिटियोल, ये सब क्या है, लीफ के कैरेक्टर, मतलब एक एग्जाम्पल लिया गया आपके लिए. उसके बाद में मतलब हम और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर हम लीफ का एग्जाम्पल के अलावा कोई फ्लावर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पोजिशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, तो ऐसे बहुत सारे जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक्सटर्नली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में आते हैं. ओके, तो वेरियस सिमिलैरिटीज आपको समझ में आ रही है, जो भी सिमिलैरिटीज एक्सटर्नली है वो मॉर्फोलॉजी में होगी. और एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या बताया गया है, एक्सटर्नल कोई भी यहाँ पे देखो कैरेक्टर नहीं शो किया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है, इंटरनल कैरेक्टर्स के बारे में. अब इंटरनल कैरेक्टर्स क्या है, इंटरनल कैरेक्टर्स में जैसे यहाँ पे बोन्स का एग्जाम्पल लिया गया है, ओके, ह्यूमन हैंड्स, कैट फोर लेग्स, पेटाजियम ऑफ बैट, मतलब उनके जो ये अपने विंग्स होते हैं वो, देन फ्लिपर्स ऑफ वेल, ये सब किस में आते हैं, ये मतलब एक एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बेसिस से आपको ये बताना चाहते हैं कि एनाटॉमिकल एविडेंस से भी प्रूफ किया गया कि ये कब कितने पुराने हैं, कैसे फॉर्म हुए, कब बने, कब कितने इयर्स हो गए, तो ये सारे एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे ये हमारे एंसेस्टर हैं, हम इनसे ही इवॉल्व होके फॉर्म हुए हैं. ओके, जैसे यहाँ पे देखो एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या मेंशन किया गया है, If you are carefully observe the picture, there doesn't seem any superficial similarities between the human hands. Superficially अगर हम देखेंगे तो उसमें कोई similarities नहीं है. क्यों? Because हम इस ये कौन से type का evidence है बेटा? ये anatomical है. Okay? तो इसमें कोई भी superficial मतलब externally कोई भी similarities आपको नहीं दिखाई देगी. Human का hand अलग है, cats के four legs अलग type के हैं, क्या same दिखते हैं externally? नहीं. But internally उनके bones जो होंगे ना उसमें similarities है. तो इसलिए यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंस को लिया गया है. ओके, सो इफ यू, तो वही लाइन यहाँ पे बता रहा है, सुपरफिशियल मतलब एक्सटर्नली, सुपरफिशियली सिमिलैरिटीज बिटवीन द ह्यूमन ह्यूमन हैंड्स, कैट्स फोर लेग, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड पेटाजियम ऑफ बैट्स, कोई डजंट सीम, डजंट सीम का मतलब कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है सुपरफिशियली. सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स, उनका फंक्शन भी डिफरेंट है बट उनमें सिमिलैरिटीज कहाँ है, हाउएवर there is a similarities in the structure of bones and bone joints in organ of each of those animals. Okay, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, morphology external similarities को show करता है और anatomy जो है वो internal similarities बताता है. तो ये दोनों में differences है morphology और anatomical, और कहीं ना कहीं ये सारे different type के जो भी evidences हैं ये proof मतलब एक evolution का proof बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये evolution हुआ है, organism में changes हुए हैं, but these changes are very स्लो प्रोसेस, वेरी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, वेरी मीन्स डेवलपमेंट जो हुआ है वो कैसा है, ग्रेजुअल है, स्लो है. ओके, सो अभी नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, नेक्स्ट अभी मैं आप जो शेयर करूंगी स्लाइड वो वेस्टिजियल ऑर्गन का, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन में आप देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, आप सबको मैंने कल इसके बारे में बता दिया था क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब जैसे अंडर डेवलप्ड, जिसके हम जिसका जो यूजलेस है, जिसका हमारे लिए हमारे बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके, सो यस, नो यूज, तो दीज ऑर्गन आर मीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है बट उनका कोई यूज नहीं है, इसलिए हम उनको वेस्टिजियल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. अब आप डेफिनेशन भी इसका देख सकते हैं, ऊपर ही बताया है, डीजेनरेटेड एंड अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन जो यूजलेस होता है बॉडी में, ऐसा नहीं कि वो वेनिश हो गया है बॉडी में, प्रेजेंट है बट दैट इज नो यूज, उसका कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी उसका यूज नहीं कर रहा है, तो कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑर्गन हमारे बॉडी से बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, और डिसअपियर होगा दैट इज इवोल्यूशन, डिसअपियर होने का मतलब ही क्या है, इवोल्यूशन हुआ है. तो यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स हैं लाइक आप देख रहे हो डायग्राम में देख सकते हो, ईयर मसल्स, देन विजडम टीथ, देन टेल बोन दैट इज कॉकिक्स, अपेंडिक्स,
सो दीज आर अपेंडिक्स. ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लास्ट का आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये इसको अपेंडिक्स बोलते हैं. देखो ये अपेंडिक्स पार्ट है जो निकला हुआ है, आप देख रहे हो छोटा सा टेल लाइक अराइज हुआ है ना, वो अपेंडिक्स है. ओके सो ये सारे ऑर्गन्स क्या है, दीज ऑर्गन्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन, दीज ऑर्गन्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ओके तो इनका कोई हमारे लिए यूज नहीं है, बट हाँ एक चीज और याद रखना, ये ऑर्गन्स किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में शायद यूजफुल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का क्या है, अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे बॉडी में तो यूजफुल नहीं है, बट ये कैटल एनिमल्स जो होते हैं, कैटल एनिमल्स जो होते हैं उनके बॉडी में ये यूजफुल होता है. ओके कैटल एनिमल्स के में ये यूजफुल होता है. अभी कैटल एनिमल्स क्यों यूज करते हैं, अपेंडिक्स का क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे आप सबको पता है कि अपेंडिक्स जो होता है ना वो हार्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, हार्ड सब्सटेंसेस उनको वो करने के लिए होता है, मींस लाइक जैसे कि डाइजेशन के लिए मेनली यूज किया जाता है जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं. अभी हम कैसे फूड को प्रेफर करते हैं, वी आर यूजिंग मींस कुक्ड फूड. ओके तो हम कुक्ड फूड को यूज करते हैं, इसलिए इसका यूज धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा. और कम होने को बिकॉज जो पहले ओल्ड एज मींस अपना स्टोन एज मैन थे, वो जब भी फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तभी उस टाइम पे क्या था, इनका यूज हो रहा था. क्योंकि तभी जो फूड वगैरह थे, मीट्स थे, वो कैसे थे, अनकुक्ड थे, तो डाइजेशन के लिए इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा था. बट जैसे जैसे डेवलप, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुआ, तो फायर की डिस्कवरी हुई, उसके बाद कुक्ड फूड का यूज होने लगा. तो इस तरह से क्या हुआ, इनका यूज क्या हुआ, कम हुआ. तो यूज कम हुआ इसका मतलब धीरे धीरे हम उनका यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया. ओके अभी नेक्स्ट टाइप है आपका, सबको क्लियर हो रहा है ना बेटा, क्योंकि ये मैं आपका कल का रिवीजन ले रही हूँ थोड़ा. ओके जस्ट टेल यस और नो. ओके सो ओके वेरी गुड. सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आप देख सकते हैं. अभी नेक्स्ट हम एविडेंस स्टार्ट करते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. Now that evidence, it is very important. Okay, paleontological जो है बेटा, इसमें आपको कुछ interesting चीजें भी देखने को और सुनने को मिलेंगी. Plus, okay. So अभी ये जो paleontological evidence है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें किस type के evidence को explain किया गया है. Okay, अभी देखो ये जो evidence है ना, यहाँ पे बताया गया है जो fossils होते हैं, फॉसिल के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है. फॉसिल क्या होता है, इनके मतलब इनको कैसे फाइंड आउट किया गया है, और ये फॉसिल बने कैसे, तो वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में फाइंड आउट किया गया. और इनका मतलब ये कितने पुराने हैं, पुराना कितना है कोई भी फॉसिल. फॉसिल का मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, जब उनके बोन्स या फिर जैसे कोई वुड है बहुत ही पुराना, वो क्या जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक या फिर किसी भी वजह से वो डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद जब वो सॉइल में बरीड होते जाते हैं, नीचे अंदर दबते चले जाते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल्स. ओके तो वो जो फॉसिल होता है ना, उसका ही स्टडी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स में, सम फॉसिल्स के पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो पिक्चर्स दिखाए हैं सम फॉसिल, देखो इधर ये फॉसिल है कुछ एनिमल्स के, फिर यहाँ पे हैं. ओके तो ये सब पिक्चर्स किस लिए आपको शो किए गए, बस खाली एक एग्जांपल के तौर पे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइप के फॉसिल्स फाइंड आउट किए गए हैं. अभी फॉसिल के स्टडी से हमें हमारा इवोल्यूशन से क्या रिलेशन है, देखो अभी आप जब ह्यूमन इवोल्यूशन, सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ह्यूमन इवोल्यूशन, उसमें जब आप स्टडी करोगे ना, तो उसमें एज बताया गया है कि 7 crore years, 4 crore मींस फिर देन 1-2 crore years, 50,000 years, मतलब ऐसे आपको मिलियन ईयर्स के बारे में सब बताया गया है कि धीरे धीरे कैसे. तो वो पता कैसे चला, क्योंकि उनके फॉसिल मिले ना, फॉसिल से पता चला ना कि ये ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ है उनमें. ओके अभी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या है, देखो इसमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ही क्या एक्सप्लेन करता है फॉसिल के बारे में. अब जैसे आप यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, मैं आपको एक बार रीड करके दिखाती हूँ. अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स. जैसे मैंने आपको अभी भी बता दिया कि फॉसिल क्या बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, हमारे माइंड में आएगा ना कि हाँ हम तो नहीं थे, तो ये जो सब चीजें बताई जा रही हैं, तो क्या ये इनके कितने साल पुराने थे, कैसे पता चलेगा. फॉर दैट वी हैव टू स्टडी द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. नाम याद रखना, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ फॉसिल. ओके नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ.
large number, okay, large number of organism get buried due to the disaster, disaster like floods, earthquake, volcano, etc. Okay, तो ये सब क्या करते हैं, ये different different means evidences हैं, मतलब different calamities हैं जिनके through क्या होता है कि ये means जैसे क्या for example earthquake ही हो गया ले लो आप, okay, कोई फ्लड हो गया, तो इसमें आप देखते हो ना कि कभी कभी इतना वास्ट हो जाता है ना कि इसमें बहुत सारे मतलब डेथ हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, एंड उस ऑर्गेनिज्म के डेथ की वजह से ही क्या होता है, डेथ होने के बाद जैसे कि अब उनको वो बरीड होते गए अर्थ के अंदर बरीड होते गए, तो वही क्या अल्टीमेट फॉर्म करते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो ऐसे बरीड होते रहते हैं, ओके, तो वही क्या बनाते हैं, फॉसिल बनाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इस तरह से फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, और उस फॉसिल की स्टडी को ही हम क्या करते बोलते हैं, पैलियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, अभी मैं आपको एक और स्लाइड शो करूंगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छा बताया है इसमें फॉसिल को स्टडी कैसे किया जाता है। ओके, और उस पार्ट को हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। देखो फॉसिल को कैसे, फॉसिल जो भी है फॉसिल है, तो उसका एज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ द फॉसिल। तो उस एज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है कार्बन डेटिंग, आपको यहाँ पे मेंशन किया होगा, आप ये देखो ये पहला वाला पैराग्राफ है ना, इसमें हाँ इसमें आपको कार्बन के बारे में, कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में बताया गया है। ओके, मैं आपको एक बार रीड करती हूँ, कार्बन डेटिंग को भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो कार्बन कंपोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर द डेथ, सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो क्या होता है कि जो कार्बन है आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स, जो कार्बन है ना उनका डेथ C14 जो है, कार्बन 14 आइसोटोप्स होता है। देखो आइसोटोप आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है ना, 9th स्टैंडर्ड में आपने आइसोटोप, आपको पता है ना केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपने स्टडी किया होगा व्हाट आर इज आइसोटोप्स, मतलब ये जो कार्बन है जो एलिमेंट्स है ना ये खाली बस खाली कार्बन 12 नहीं है, इसके 13 14 ये डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। ओके, अभी जो C14 है कार्बन 14 जो है ना ये रेडियो एक्टिव टाइप है, और जब एनिमल्स का डेथ हो जाता है ना तो ये डीके होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ओके, तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना तो उससे क्या होता है, उनका जो मींस अमाउंट है, जो रेशियो है C12 और C14 का, तो C12 का अमाउंट जो C14 का है वो डीके होने लगेगा, C14 बिकॉज रेडियो एक्टिव है। ओके, तो डीके होने की वजह से उनका जो नंबर है, रेशियो है, वो कम होने लगेगा। तो कार्बन डेटिंग मेथड जो है ना इसीलिए यूज किया जाता है कि कोई भी फॉसिल कितना पुराना है उसका एज फाइंड आउट करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज किया जाता है। उसमें C14 का डीके जो प्रोसेस है उसका हाफ लाइफ बताया गया अप्रोक्सीमेट, कुछ आपको मैं आपकी शो करती हूँ, उसका हाफ लाइफ जो भी है मतलब जो बताया गया है C14 का, कार्बन 14 का, क्योंकि वो डीके होने वो प्रोसेस में मतलब क्या होता है, डेथ हो गया तो कंजम्पशन स्टॉप हो गया ना, जब डेथ हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का तो कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है, और कंजम्पशन स्टॉप होने की वजह से वो क्या होते हैं मतलब मतलब स्टॉप हो जाएगा, वो ले नहीं रहा है। ओके, वो डीके हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर द डेथ, सिंस देन द प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14, C14 मतलब आपका कार्बन 14 दैट इज आइसोटोप। ओके, occurs continuously in case of dead bodies of plants and animals, in case of dead bodies of plants and animals decay of remaining ratio, okay, ratio between the C14 and C12 changes, जिसे मैं आपको बताया ना कि क्यों चेंज हो रहा है C14 और C12 जो है इसका रेशियो चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डीके प्रोसेस। ओके, तो डीके प्रोसेस होने की वजह से, और डीके क्यों हो रहा है, रेडियो एक्टिव कार्बन है, डेथ के बाद एनिमल्स वो डीके होने लगते हैं, और उसका भी एक रीजन है वो डीके क्यों हो रहा है, और जब डीके होता है तो ये C14 चेंज हो जाता है नाइट्रोजन में। ओके, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, उसमें आपको उसका पूरा प्रोसेस फिर एक्सप्लेन करती हूँ कैसे कार्बन डेट मेथड जो है ये कैसे। ये देखो यहाँ पे आपको ये स्लाइड में आप
ध्यान से देखो, अब ये देखो ये कार्बन डेटिंग का पूरा पिक्चर है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कभी स्टडी करने के लिए ये यूजफुल रहेगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये सन, ओके यहाँ पे ये सन बताया गया है, ये रेड जो ऑरेंज दिख रहा है ना, दैट इज सन। अब इसमें से जो डिफरेंट रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं, ओके जैसे कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, जो भी रेज है उसमें जो मतलब जो सन रेडिएशन एमिट करता है उसमें का उसमें जो कॉस्मिक रेज होते हैं वो रिलीज कर, उसमें जैसे न्यूट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं ना, दैट न्यूट्रॉन एटमोसफियर नाइट्रोजन को क्या करता है, मीन्स उस पे बम्बार्ड करता है एटमोसफियरिक नाइट्रोजन पे। तो ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन कैप्चर, जैसे ही नाइट्रोजन 14 आप देख रहे हो ना N14, तो जैसे ही ये न्यूट्रॉन ना N14 को बाइंड करता है, न्यूट्रॉन कैप्चर करके लिखा है, वो किसमें चेंज हो जाता है, आप देखो यहाँ पे वो किसमें चेंज हो रहा है, चेंजेस इनटू कार्बन 14। अभी मैंने आपको बताया कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 है मीन्स रेडियो एक्टिव कार्बन है, याद रखना इट इज रेडियो एक्टिव कार्बन, और इसी का ही डीके होता है, कार्बन डेटिंग में इसका ही डीके होता है। ओके, तो जैसे ये अभी ये जो कार्बन 14 है ना, इसका ये बहुत ही मतलब इसका जो अमाउंट है ना कम होता है एज कम्पेयर टू C12। जो कार्बन 12 है ना, वो जो होता है ना उसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। और C13 जो होते हैं वो भी कम होते हैं, C14 जो होता है वो भी ट्रेस अमाउंट में ही होते हैं, ट्रेस मतलब कम अमाउंट में होते हैं, बट हमारे जो प्लांट्स है ना वो सबको एब्जॉर्ब करते हैं, C कार्बन 14 को भी एब्जॉर्ब करेगा, फिर C12 को भी एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसा एनवायरमेंट में उनका रेशियो होगा, जैसा अमाउंट होगा, वैसे प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे ये देखो ये मेंशन किया है ना यहाँ पे, ऑल थ्री आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ऑल थ्री, थ्री कौन, कितने आइसोटोप्स हैं, थ्री आइसोटोप, C12 रेयर है। ओके, कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है कि C12 अबंडेंट है, कॉमन मतलब बहुत ज्यादा मिलता है, और C13 बहुत कम है, रेयर है। ओके, और C14 जो है वो ट्रेस है, वो भी कम होता है, बट इट इज रेडियो एक्टिव। तो C12, C13 और C14 में रेडियो एक्टिव कौन सा है, C14 रेडियो एक्टिव है। ओके, दे आर एब्जॉर्ब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होता है, ये तीनों टाइप के जो आइसोटोप्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद देखो क्या होता है, जैसे एब्जॉर्ब कर लिया, अब इनका डेथ हो गया, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट के पास पहले गया, फिर प्लांट से किस में जाएगा, एनिमल्स में भी जाएगा, क्योंकि प्लांट्स एनिमल हम किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, तो प्लांट के थ्रू हमारे बॉडी में आ रहा है, मींस एनिमल्स में भी जा रहा है, ह्यूमंस जो भी है सब उनको खा रहे हैं, तो सबके बॉडी में जा रहा है। ओके, लेकिन जब समझो डेथ हो गया, प्लांट्स का डेथ हुआ, या फिर प्लांट्स मींस मतलब वो डिस्ट्रॉय हुए, या फिर एनिमल्स का डेथ हुआ, तो डेथ होने के बाद क्या होगा, अभी जो कंजम्पशन है कार्बन का वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, कार्बन का कंजम्पशन स्टॉप हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो ये वाला पैराग्राफ आप देखो नीचे जो व्हाइट में शो किया गया है, ये फॉलोइंग डेथ एंड बरियल, बरियल मतलब जब वो बरीड हो जाते हैं सॉइल में, वुड एंड बोन्स, वुड मतलब प्लांट को लिया है, बोन्स मतलब एनिमल्स के पार्ट्स को लिया है, दे लूज कार्बन 14 एज इट चेंजेस टू N14। क्या हो रहा है, कार्बन जैसे ही जब कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है ना, तो जिस न्यूट्रॉन की वजह से, आप ये देख रहे हो ना ये न्यूट्रॉन कैप्चर किया तो कार्बन 14 बना ना, नाइट्रोजन ने न्यूट्रॉन को कैप्चर किया, कहाँ से कैप्चर किया, जो रेडिएशन था उससे। ओके, तो जब डेथ हो जाता है तो ये फिर से कार्बन 14 जो है किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन 14 में चेंज हो जाता है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, उसका डीके हो रहा है, डीके प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये डीके प्रोसेस की वजह से कार्बन 14 किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन 14 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डीके प्रोसेस बताया गया है, तो इसी हम क्या बोलते हैं, ये तो मतलब कंजम्पशन हो गया कार्बन का। ओके, अब एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करती हूँ जिसमें आपको ये बताया गया है कि कार्बन जो डेटिंग है उसको उसका हाफ लाइफ क्या होता है। मतलब हम अगर किसी का एज कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी फॉसिल का एज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका हम कार्बन डेटिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसका एज कितना होगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कार्बन 14
ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो उसके पास उसके अंदर गया, ठीक है। बट डेथ के बाद क्या होगा, डेथ में उसका जो रेशियो है स्टार्टिंग समझो है, जो भी अभी डेथ हुआ है तब तक उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, उसमें इतने चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे पुराना होता जाएगा उसका एज मीन्स डेथ का एज जो है बढ़ते जाएगा तो क्या होगा उसमें कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा। ओके तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो अभी अभी एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ 100% कार्बन 14 होगा। ओके बट थोड़े टाइम पासेस कितने, मतलब उसका हाफ लाइफ आपको याद रखना है, हाफ लाइफ से बाकी के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेट 5000 ईयर्स बताया गया, 5700 ईयर्स उसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करके बताया गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि उसका हाफ लाइफ कितना है। फिर समझो 5000 ईयर्स हो गए तो उसमें कितना कार्बन 14 होगा, 50%, 100% था अभी उसका 50% हो गया, ठीक है हाफ लाइफ। फिर अगेन 5000 इयर्स में कितना हो गया, 5700 कैलकुलेट करो, फिर आपका 11460 इयर्स कुछ होंगे, ठीक है। तो उसमें उसका कंजम्पशन अभी 50 था ना, 50% 100 से 50% हुआ, देन 50 से 11000 इयर्स के बाद क्या होगा उसका परसेंटेज 25 हो जाएगा। ओके तो इस तरह से उसका परसेंटेज जो है वो क्या होगा कम होते जाएगा, किसका परसेंटेज, C14 का परसेंटेज। तो ये पिक, ये जो पिक मैंने आपको स्लाइड शो किया है इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ के टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया है, इसमें ईयर बताया गया है, एट द टाइम ऑफ डेथ कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव जो कार्बन 14 है वो 100% है, लेकिन 5730 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, उसका अंदर का जो कार्बन है वो हाफ हो जाता है। ओके एंड 11460 ईयर्स के बाद वो उसका 25, मतलब ये 5000 को कैलकुलेट करके बताया गया, देन 12.5, फिर अगेन इसमें आप 5730 ऐड करोगे उसके बाद क्या होगा उसका परसेंटेज और कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम एज, इस तरह से उसका एज कैलकुलेट किया जाता है फॉसिल का, इसका एज, फॉसिल का एज कैलकुलेट किया जाता है। तो पैलेंटोलॉजिकल स्टडी के लिए बेटा आपको ये याद रखना है कि हमें कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू हम किसी भी फॉसिल के एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी फॉसिल के एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग क्या है, इट इज नथिंग बट द डीके प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन दैट इज C14 एंड इट इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। ओके तो ये क्या किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी फॉसिल के एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जिसके पास टेक्स्ट बुक है उसमें कार्बन डेटिंग का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है, बट ये पिक्चर जो है आपको, हेलो अभी आ रही है, सबको क्लियर है कार्बन डेटिंग मेथड, सबको क्लियर है, हेलो सबको कार्बन डेटिंग मेथड क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन डेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस खाली आपको इसमें दो तीन ही पॉइंट याद रखने हैं, एक तो ये याद रखना है कि कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें C14 का डीके होता है, डीके मतलब वो डिस्ट्रॉय होता है, और C14 है क्या, इट इज रेडियो एक्टिव कार्बन। ओके जब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, सपोज ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा तो इनका अमाउंट क्या होता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो रहा है, बिकॉज डीके प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कार्बन कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है तो कार्बन कम तो होगा ही ना, तो डीके होने लगता है। तो इस रेडियो एक्टिव से हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एज। अब वो ऑर्गेनिज्म नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल, बिकॉज ये बरियल हो गया, ये बरीड हो गया है अर्थ के अंदर, तो इट इज कॉल्ड एज फॉसिल। ओके सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके क्योंकि अभी आपको शायद क्लियर हो गया ना, कार्बन डेटिंग में कोई डाउट नहीं है ना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डाउट है तो अभी बता दो। ओके फिर मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, कोई डाउट नहीं है कार्बन डेटिंग में। ओके ठीक है तो नया टॉपिक स्टार्ट करें। ओके ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कनेक्टिंग लिंक। अब ये फिफ्थ वाला टाइप है, नो मीन्स व्हाट, नहीं है समझा, वापस से एक्सप्लेन करूं, एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करूं। ओके ठीक है, कनेक्टिंग लिंक स्टार्ट करते हैं। ठीक है
connecting link. ओके अभी आप देखो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक को क्या, कनेक्टिंग लिंक में जो बेटा आप देखेंगे ना, सबसे पहले कनेक्शन. ओके फॉसिल फ्यूल में जो फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल को अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे दूसरा कनेक्टिंग लिंक फॉसिल से भी रिलेटेड है प्लस ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटेड टॉपिक है. तो फॉसिल कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मैंने आपको एक पिक्चर लिया है ठीक है. इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक में भी अपना देखेंगे वो भी ठीक है, और इसका भी आप क्या करो स्क्रीनशॉट लेके रखना. फॉसिल एनिमल एग्जिबिट कैरेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर कॉल्ड एज फॉसिल कनेक्टिंग लिंक्स. ओके अभी ये कनेक्टिंग लिंक जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, मॉर्फोलॉजी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, मॉर्फोलॉजी समझ में आया कि नहीं, मॉर्फोलॉजी क्या होता है. ओके द एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल जो भी फीचर्स होते हैं वो ना दो डिफरेंट ग्रुप्स के सिमिलर होते हैं. मतलब जैसे सपोज एक रेप्टाइल्स ले लिया, रेप्टाइल्स का कोई ऑर्गेनिज्म है, और एक मैमल्स ले लो कोई, ठीक है कोई ले लो, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल ले रही हूँ, जो भी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं मैं बस आपको वही बताऊंगी. ओके मतलब दो डिफरेंट ग्रुप या दो डिफरेंट फाइलम या फिर दो डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिज्म किस कुछ कैरेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं. समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, दो डिफरेंट फाइलम या दो डिफरेंट ग्रुप या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स, मतलब पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो किसी एक किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर वो दिखाई देते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म उन दोनों क्लास या फिर ग्रुप का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, ओके आपके दो फ्रेंड्स हैं और आपने, आप जो हो उस दोनों के क्या हो, कनेक्टिंग लिंक हो, मतलब आप उसके मतलब कि आपका जो दो, आप दोनों जो फ्रेंड हैं आप उनको क्या कर रहे हो, आप दोनों को जानते हो ठीक है, तो आप बीच के पार्ट हो गए, दैट इज यू आर कनेक्टिंग लिंक. तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म में होता है, ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज बिल्कुल अलग है, दो ग्रुप का मतलब दोनों स्पीशीज एकदम डिफरेंट है, बट वो डिफरेंट स्पीशीज, वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज के कुछ कैरेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो ऑर्गेनिज्म कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है. अब इसका मैं एग्जाम्पल, अभी इसमें जो एग्जाम्पल दिया है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं दूसरा एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में लिया गया वो एग्जाम्पल आपको शो करती हूँ. इसका एग्जाम्पल एक देख, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना टॉप पे, ये पैराग्राफ उसको आप ध्यान से देखो. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Some plants में भी यही rule follow होता है, ऐसा नहीं कि बस ये खाली animals के लिए है. Some plants and animals show some morphological characters, okay? By which they can be related to two different groups. मतलब group, यहाँ पे groups का मतलब क्या है? दो अलग अलग organism के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर एक प्लांट या फिर किसी एनिमल्स के अंदर आ जाए तो वो ऑर्गेनिज्म उन दोनों ग्रुप का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है. हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? कनेक्टिंग लिंक का मतलब समझा क्या? यस, कनेक्टिंग लिंक सबको समझा मैं क्या, मैंने जो बताया आपको? यस और नो? ओके ठीक है. सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं किसी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से मिलते हो तो वो जो पहला प्लांट है या एनिमल है उन दोनों ग्रुप का क्या होगा, कनेक्टिंग लिंक होगा. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल पेरीपेटस, देखो यहाँ पे पेरीपेटस मेंशन किया है. फॉर एग्जांपल पेरीपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. Similarly, these animals show the tracheal respiration and open circulatory system, like arthropoda. Okay, तो इसमें ये जो peripatus है ना, peripatus किसका connecting link है? Annelida का और arthropoda का. Peripatus organism जो है ना, peripatus नाम है peripatus. Okay, अभी ये जो organism है ना, इसके body में आप देखोगे तो ये इनकी body cylindrical होती है, मतलब ऐसे लंबी होती है,
और उनके बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म में होता है, क्योंकि एनेलिडा जो है ना वो अर्थवॉर्म मतलब एनेलिडा एक फाइलम है जिसके अंदर अर्थवॉर्म आता है, मतलब वो उस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है एनेलिडा को, अर्थवॉर्म को आप सबने देखा है, उसके बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स होते हैं ना, ओके तो वो जो सेगमेंट्स है वो पेरिपेटस में होता है, प्लस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मतलब जिसमें कॉकरोच आता है, कॉकरोच आप पता है, देखो मैं ऐसे एग्जांपल्स मैंने लिए जिससे आप फैमिलियर हो, आप अर्थवॉर्म से भी फैमिलियर हो और आप कॉकरोच से भी फैमिलियर हो, अर्थवॉर्म एक अलग स्पीशीज है और कॉकरोच एक अलग स्पीशीज है, येस और नो? दोनों अलग स्पीशीज है ना, लेकिन उन दोनों अलग अलग स्पीशीज के कैरेक्टर किस में आते हैं, पेरिपेटस में, दोनों के कैरेक्टर्स हैं, अर्थवॉर्म का भी कैरेक्टर है और इसका आपका कॉकरोच का भी कैरेक्टर है, इसके अंदर है पेरिपेटस, नाम याद रखना पेरिपेटस। तो एग्जांपल मतलब अभी पेरिपेटस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास आर्थ्रोपोडा मींस आर्थ्रोपोडा मींस कौन हो गया, कॉकरोच, ठीक है, और अपना एनेलिडा कौन हो गया, अर्थवॉर्म, इन दोनों के कैरेक्टर्स पेरिपेटस में आते हैं। तो पेरिपेटस क्या हो गया, इट इज कनेक्टिंग लिंक, पेरिपेटस क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक, किसका कनेक्टिंग लिंक है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, किसका कनेक्टिंग लिंक है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, कनेक्टिंग लिंक समझा मैंने आपको, इसमें देखो तीन एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें आपको तीन एग्जांपल्स शो किया गया, मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया पेरिपेटस का, पेरिपेटस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें अर्थवॉर्म और कॉकरोच इन दोनों के कैरेक्टर्स उसके अंदर आते हैं, तो पेरिपेटस अर्थवॉर्म और कॉकरोच का क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया, हैव यू अंडरस्टूड, समझा क्या सबको बेटा ये एग्जांपल, पेरिपेटस वाला एग्जांपल सबको समझा, ओके अभी नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, इसमें इसमें दो और एग्जांपल्स हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या बताया है, नेक्स्ट आपका डग बिल प्लैटिपस का है, डग डक मींस आपका ये जो एग्जांपल है ना DUCK डक बिल प्लैटिपस, ये डग बिल प्लैटिपस जो है ना ये रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में आते हैं, बट ये जो ऑर्गेनिज्म है ना डग बिल प्लैटिपस, इसके पास रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स तो हैं, मतलब ये क्या करता है, ये एग को ले करता है, एग ले करता है, ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स, और इसके पास मेमोरी ग्लैंड भी होता है, क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, और अभी मेमोरी ग्लैंड क्या है, ध्यान से सुनो बेटा सब लोग, इसमें देखो आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि इसके पास मेमोरी ग्लैंड भी होता है, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो एक ऐसा ऑर्गन है मिल्क प्रोड्यूस करने वाला, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ओके आप देख रहे हैं यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड मेंशन किया है, तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना ये मिल्क प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अब ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एक ही टाइप के ग्रुप में मिलता है, किसमें मिलता है, मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, जिसमें हम बिलोंग करते हैं, हम किसमें आते हैं, मैमल्स में, तो आप अभी आप मैमल्स आप पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये साइंस 2 में ये वाला भी चैप्टर है आपको 6th चैप्टर, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी एनेलिडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, बट फिलहाल अभी के लिए थोड़ा आप समझो यहाँ पे, तो ये जो डग बिल प्लैटिपस ऑर्गेनिज्म है ना ये किसमें आता है, रेप्टाइल्स में, जो क्रीप करते हैं ना ऑर्गेनिज्म, क्रीपिंग वाले ऑर्गेनिज्म, उसमें ये आता है, ओके तो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स तो इसमें है, ओके रेप्टाइल्स के कैरेक्टर तो इसमें है, बट इसके पास एक और कैरेक्टर आ रहा है जो कि रेप्टाइल्स का नहीं है, किसका कैरेक्टर आ रहा है, मैमल्स का, मैमल्स का कैरेक्टर्स क्या होता है, दे हैव मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ओके तो रेप्टाइल्स में किसी भी रेप्टाइल्स में आप देखोगे तो मिल्क प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन मींस मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये डग बिल ऐसा है, डग बिल प्लैटिपस ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास मेमोरी ग्लैंड भी होता है, तो डग बिल प्लैटिपस क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया, किसका, रेप्टाइल्स का और मैमल्स का, हैव यू अंडरस्टूड डग बिल प्लैटिपस एग्जाम्पल, समझा सबको, पेरिपेटस और डग बिल प्लैटिपस, ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम एविडेंस लेते हैं,
एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल अभी आपका लास्ट है, ठीक है? आपने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा, आपने एनाटॉमिकल एविडेंस को पढ़ लिया, देन नेक्स्ट आपने एक स्टडी किया किसका, वेस्टिजियल ऑर्गन, देन पैलेंटोलॉजिकल, फिफ्थ कनेक्टिंग लिंक अभी आपने स्टडी किया, अभी ये लास्ट है एम्ब्रियो, सिक्स्थ वाला एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियो मतलब होता है, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, जब भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना, जब न्यू ऑर्गेनिज्म जाइगोट, जाइगोट से फिर वो किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो के अंदर जो भी डेवलपमेंट होते हैं ना, देखो आप देख सकते हो पिक्चर देख रहे हो ना, जब भी कोई भी सेल, जैसे जब भी मेल एंड फीमेल स्पर्म एंड एग जब यूनाइट होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, यस ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट सबको पता है ना, जाइगोट, यस और नो, सुना है कि नहीं नाम जाइगोट का, सबने सुना है ना जाइगोट। जब भी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, ओके। एंड आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज क्या होता है उनका, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, क्योंकि जाइगोट एक सिंगल सेल होता है और जब जाइगोट का डिवीजन होता है तो वो मल्टीपल सेल बनाता है। मल्टीपल सेल का मतलब वो किस में चेंज हो रहा है अभी, वो एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो होते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, एट द एंड जब वो 6-7 मंथ स्टार्ट होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम फीटस बोलते हैं। तो सबसे पहले बनता है जाइगोट, देन एम्ब्रियो एंड देन फीटस। अभी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में ये बताना चाहते हैं ना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब ये बता रहा है कि कॉमन एंसेस्ट्री जो होती है इनिशियल स्टेज में, सब सारे एम्ब्रियो जो होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो किसी मैमल्स मीन्स ह्यूमन का हो, चाहे वो किसी फिश का हो, या फिर किसी रेप्टाइल्स का हो, किसी भी टाइप का मतलब स्पीशीज के एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज में। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लिखा हुआ है ना डायग्राम पे, देखो साइड में फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये दिख रहा है ना। फर्स्ट का मतलब होता है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया उसका मतलब वो 3 मंथ के ऑर्गेनिज्म, 1, 2, 3। फिर ये जो सेकेंड मंथ है ना मतलब कि वो उसके आगे, फिर थर्ड मंथ मतलब उसके आगे, मतलब जिसका जैसा लाइफ स्पैन हो, कोई किसी किसी का लाइफ स्पैन कम होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म का 9 मंथ होता है, किसी किसी का 12 मंथ होता है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है ना मंथ का। तो ये यहाँ पे जो आपको मेंशन किया गया, तो ये डेवलपमेंट के बारे में पूरा बताया गया, ठीक है, कैसे कैसे ये ऐसे डेवलपमेंट। तो ये जो आप देख रहे हो ना इनिशियल स्टेज में देखोगे ना, सबसे फर्स्ट में देखो, तो ये जो फर्स्ट बता रहा है इसमें ये बता रहा है ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो होता है इनिशियली दे आर वेरी मच सिमिलर। अभी ये जो सिमिलैरिटीज है ना दैट प्रूव अ कॉमन एंसेस्ट्री, क्या प्रूव करती है, कॉमन एंसेस्ट्री मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं हम उनसे ही इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को शो किया गया, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये बताता है कि इनिशियली ऑल एम्ब्रियोज आर वेरी मच सिमिलर, ऑल एम्ब्रियोज आर वेरी मच सिमिलर। अभी आप डिस्क्रिप्शन पर देखो, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शो दैट ऑल एम्ब्रियो शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज, एक्सट्रीम बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, ओके। तो इतना ज्यादा मतलब इनिशियल स्टेज में कोई भी एम्ब्रियो में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उनका तो सिमिलैरिटीज क्या होती है, कम होती जाती है, बट इनिशियली सिमिलैरिटीज रहती है। इसका मतलब ये है कि वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर, कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर है उनकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है, ओके। तो इस वो जो सिमिलैरिटीज है वो क्यों आई है, बिकॉज ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री। सो ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज एंड दोज सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली, सिमिलैरिटीज धीरे धीरे डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज हर एक स्पीशीज के जो जीन पूल है वो क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज होते जाती है, ओके। बट इनिशियली सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने लगता है उनकी जो सिमिलैरिटीज है वो धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। बट इनिशियल स्टेज में सिमिलैरिटीज है दैट इंडिकेट्स अ कॉमन एंसेस्ट्री, ओके। सो ये हुआ आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, सबको समझा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्टडी करना, ओके। तो ये आपका एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी में आता है।
ओके ठीक है. सो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका है डार्विन थियरी और लमार्क थियरी. ठीक है, तो डार्विन एंड लमार्क थियरी हम स्टार्ट करेंगे. सारे जितने भी एविडेंसेस थे सबको क्लियर हो गया ना? किसी को कोई डाउट है एविडेंस में? मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, कनेक्टिंग लिंक, कोई डाउट है तो अभी बोल दो, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. क्लियर है सबको? क्लियर है ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डार्विन थियरी स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है, ओके. सो डार्विन थियरी स्टार्ट करते हैं. अभी देखो, जब मैं आपको इवोल्यूशन, मैंने आपको स्टार्ट किया था इवोल्यूशन, तो उसमें क्या बताया था, अभी सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इवोल्यूशन में एक्सप्लेन किया था ना, नेचुरल सिलेक्शन. ओके, नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन में मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे उसमें एक्सप्लेन कर दिया था ना कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन वर्ड है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने बताया था? ये डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, चार्ल्स डार्विन. ओके, तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने ये बताया था कि इसके बारे में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म फिट इनटू द एनवायरमेंट, those organism fit into the environment, they can survive, others are perish. मतलब बाकी जो है वो क्या होते हैं उनका, वो perish हो जाते हैं, death जाता है उनका, और survive कौन करते हैं? only जो भी changing environment, that organism which survive in the changing environment. क्योंकि आप सबको पता है evolution के लिए कहीं ना कहीं हमारा environment भी responsible है. okay, जो भी factors है environment के, उनकी वजह से evolution हुआ है. तो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो पेरिश हो जाते हैं. ठीक है, वो डेथ हो जाता है उनका, या फिर वो वैनिश हो जा रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मतलब चार्ल्स डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, उन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म मींस नेचर जिनको सेलेक्ट कर ले, जिस ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट करता है वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है. अब नेचर क्यों सेलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म कम्पीट कर रहा है. कम्पीट मीन्स जैसे कि अभी जो भी चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में, ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट में वो अपने आप को क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर पा रहा है. अडॉप्ट अगर नहीं कर पाता तो वो पेरिश हो जाता, क्योंकि वो अडॉप्ट कर रहा है इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा है. और जो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट को, उनका क्या होता है, डेथ हो जाता है, वो पेरिश हो जाते हैं. ओके, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन. और उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब फिट जो है एनवायरनमेंट में, जो अडॉप्ट कर ले रहा है एनवायरनमेंट को, वही फिट है, वही सर्वाइव करेगा. और जो अनफिट है, जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, वो क्या होगा, पेरिश हो जाएगा. ओके, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. जैसे उन्होंने ऑब्जेक्टिव में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. ओके, मतलब ये एक फैक्टर नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन ये एक फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए. इवोल्यूशन के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है, खाली एक नेचुरल सिलेक्शन बताया उन्होंने. बट ये ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ इनके जो मीन्स ऑब्जेक्शंस थे, उन्होंने इसमें बताया गया कि ऐसा नहीं है खाली नेचर ही जिनको सेलेक्ट करता है वही सर्वाइव कर रहे हैं, कोई अदर फैक्टर्स भी इसके लिए हो सकता है जिसके बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया था. और उन्होंने बताया था, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. मतलब उन्होंने ये नहीं बताया था कि कुछ ऑर्गन्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं या फिर यूजलेस है, उसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया था. इसके बारे में लमार्क ने एक्सप्लेन किया था, यूजफुल एंड यूजलेस ऑर्गन के बारे में. मतलब जो ऑर्गन्स हमारे यूजफुल होते हैं वो जो ऑर्गन हमारे लिए यूजलेस है, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है, और जो यूजफुल है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं. ठीक है, तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये लमार्क ने एक्सप्लेन किया था, बट डार्विन ने इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस ऑर्गन. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस. इन्होंने बस स्लो चेंजेस और सडन चेंजेस ऐसा कुछ उन्होंने, मतलब स्लो चेंजेस के बारे में तो उन्होंने बताया था कि हाँ इवोल्यूशन जो है इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है उस कैरेक्टर्स को चेंज होने में,
मतलब जो नए कैरेक्टर्स बनते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ये इन्होंने बताया था, बट अब्रप्ट चेंजेस के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था. देन नेक्स्ट, तो ये सारे मतलब ये दो एक दो ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन थे डार्विन के, बट अदरवाइज डार्विन का जो थियरी था वो कैसा एक्सेप्टेबल थियरी था. उन्होंने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताया था वो उन्होंने प्रूफ किया था बहुत सारे एग्जाम्पल से, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ द जिराफ नेक. फिर उन्होंने पैरामीशियम का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन जब उनमें ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग होने के बाद वो अगर उनको फूड मिल रहा है, सब कुछ एक प्रॉपर एनवायरनमेंट फेवरेबल कंडीशन है, तो उनकी ब्रीडिंग फास्टर होगी. जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले ले, तो वो 30 मिनट्स में उनका ये लाइफ मतलब क्या होता है रिप्रोड्यूस करते हैं. और पैरामीशियम ये सब अमीबा सब का एग्जाम्पल ले लो, तो उनका पूरा रिप्रोडक्शन का जो टाइम है वो 24 आवर्स है. तो इस तरह से इनका बहुत ज्यादा फास्ट डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा मतलब ये रिप्रोड्यूस करते हैं. तो अगर ऐसा रिप्रोड्यूस ऐसे करे एक एक दिन में इतने, तो इनके बहुत सारे, और ऐसा नहीं कि ये ए रिप्रोड्यूस करके एक कॉपी बना रहे, इनके थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज फॉर्म होती है. तो इस तरह से इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब बढ़ सकता है. बट क्या हो रहा है, अभी अभी आपको मैंने एक सेंटेंस बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में और नेचुरल सिलेक्शन. तो भले से नंबर इनका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये सब की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अडप्ट मींस जिनको फूड मिल रहा है वही सर्वाइव करेंगे, जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपर मेट नहीं मिल रहा है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे. तो इस तरह से क्या होता है, इनका नंबर कम रहता है, मींस मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है. ओके, तो इस तरह से इन्होंने नेचुरल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया था. और बाकी जो ऑब्जेक्शंस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो ऑब्जेक्शन याद रखना, यूजलेस एंड यूजफुल ऑर्गन्स का, और उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का ही फैक्टर बताया था, कोई फैक्टर्स उन्होंने नहीं बताया था. तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आपके लिए कभी, बिकॉज एग्जाम में ऑब्जेक्शन बहुत पूछता है, तो ये आप मीन्स 2 मार्क्स का ही ऑब्जेक्शन, ज्यादा नहीं है, 2 मार्क्स के लिए ही पूछते हैं. तो आपको ये 3-4 जो ऑब्जेक्शंस है ना उसको याद रखना है, बाकी डार्विन के जो भी एक्सप्लेनेशंस थे, जो भी ने थियरी बताई थी, वो थियरी को आपको याद रखना है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट है आपका लमार्क. लमार्क ने एक्सप्लेन किया था, उनकी भी थियरी एक्सेप्टेबल थी, बट उन्होंने भी बहुत सारे उनके लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था उनकी थियरी को. बट उन्होंने यूजलेस एंड यूजफुल ऑर्गन्स के बारे में बताया था. ओके, लमार्क ने यूजफुल ऑर्गन्स के एंड यूजलेस, तो वो आपको मैं बता देती हूँ. ओके, जीन बैप्टिस्ट लमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, लमार्क ने क्या बताया था, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो भी चेंजेस होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में या पास ऑन होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था. और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ क्या बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि कोई कुछ ऑर्गेन उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताया था, मतलब अगर वो ऑर्गेनिज्म एक्टिव है या फिर लेजी है, दैट ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर उनके कोई भी ऑर्गन्स एक्टिव है मतलब वो यूजफुल है. लेजीनेस मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन्स क्या हो रहा है उसका यूज नहीं हो रहा है, दैट ऑर्गन इज यूजलेस. ओके, तो एक्टिविटीज एंड लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये उन्होंने बताया. और इसी को क्या बोला गया है, यूजफुल एंड यूजलेस ऑर्गन. ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन. ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज का मतलब ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गन का यूज कर रहा है और किसका यूज नहीं कर रहा है. और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड मतलब कि सपोज किस जो भी पेरेंट है सपोज, ठीक है, उन्होंने कोई कैरेक्टर अपने जनरेशन में एक्वायर किया है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके जो भी प्रोजेनी है उसमें वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. कैरेक्टर एक्वायर किया तो वो एक्वायर कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा. अब उन्होंने एग्जाम्पल लिया था जिराफ का स्ट्रेचिंग ऑफ नेक, उसमें बताया था ना कि इसे लीफ को फीड करने के लिए जिराफ अपने नेक को स्ट्रेच करता है, तो वो उनके नेक जो है लॉन्ग होते हैं, बट वो उस जनरेशन में नहीं, हाँ नेक्स्ट जनरेशन में उनके जो प्रोजेनी है उसमें उनके नेक लॉन्ग हो सकते हैं. ठीक है, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था.
और उन्होंने आयन स्मिथ का एग्जाम्पल लिया है, फ्रीक्वेंट हैमरिंग ऑफ आयन स्मिथ, बार बार मतलब सब यूज करने से उनके जो शोल्डर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में उनके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ये कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने एक दो एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे, आयन स्मिथ का बर्ड्स ऑस्ट्रिच बर्ड का विंग्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिराफ के स्ट्रेच ऑफ द नेक उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने बताया था डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज और द डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। तो मतलब यूज एंड डिसयूज को तो एक्सेप्ट किया गया था, बट दैट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। मतलब ये बताया गया है कि इन्होंने कैसा बताया था कि वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में उनके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकता है, बट ये इतना जो ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफर है, इतना फास्टर नहीं होता है। तो ये जो थियरी थी उनको उसको रिजेक्ट किया गया था, बस खाली यूज एंड डिसयूज ऑर्गन उसको एक्सेप्ट किया गया था, बिकॉज वो उन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसके बारे में प्रॉपर प्रूफ दिया था ओके इसके लिए। और ऐसा अगर से कि एक जनरेशन से एक जनरेशन में वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ये इसको ये मतलब करेक्ट क्लू नहीं था, इसके लिए उस थियरी को उनको रिजेक्ट कर दिया गया था ओके। सो बिकॉज इट हैज बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर बाय लमार्क्स थियरी वाज डिसप्रूव्ड ओके। तो उन्होंने करेक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, इसके लिए उनकी थियरी को क्या किया गया था, डिसप्रूव कर दिया गया था, जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। The living organism can transfer the character which has acquired to the next generation. This is called as ancestry of the acquired characters. So, आपको डार्विन एंड लमार्क थियरी में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। लमार्क थियरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, डार्विन थियरी, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सबको? डाउट? नो डाउट ना? ओके क्लियर है, ठीक है। आप लोग सबका स्क्रीनशॉट लेते हो ना? नहीं क्लियर है आयुष? क्लियर नहीं है आपको? कौन सा नहीं क्लियर है, लमा या फिर डार्विन? आयुष क्लियर है? ओके क्लियर है, ठीक है। सो आप लोग स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्टडी करते रहो, और कोई भी डाउट है तो लेक्चर में आप एक बार पूछ लिया करो, या तो स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में आपको जो भी डाउट रहे ना तो उसको एक बार पूछ लिया करो, बिकॉज आप ये सब चीजों को अवॉइड मत करो, और सबका स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको आप डाल दिया करो, या फिर आप मैसेज वगैरह कर देंगे तो उससे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके ओके हेलो यस शिल्पी, आपको कुछ डाउट है? शिल्पी आपको कुछ डाउट है क्या? शिल्पी आपने रेज हैंड किया था, आपको कुछ डाउट है क्या बेटा? शिल्पी आपको कुछ डाउट है क्या? ओके ठीक है, हाँ सर मैं भी स्टॉप करती हूँ लेक्चर। हेलो हाँ सर लेक्चर स्टॉप करती हूँ अभी। हेलो सर,
हेलो हेलो सर थॉमस, सर मिस ना हो गया, इन लोगों का बोलूँ मैं? मिस आपका आवाज़ नहीं आ रहा है सर, बोलिए मेरे को कैमरा ऑन करने बोलिए ना। स्टूडेंट्स सब अपना कैमरा ऑन ऑन करिए प्लीज। मिस का हो गया, क्या करूँ, मिस को मैं निकाल दो। मिस आपका लेक्चर हो, मिस को कुछ आ ही नहीं रहा। मिस बोली लेकिन स्टॉप किया लेक्चर। इससे बोलिए ना सर, या तो आप आज जैसा आपको लग रहा है, वीडियो दिखाना है, वीडियो देख के बोलना है तो कुछ। सब अपने पेरेंट्स का फोन देंगे। मेरे कुछ आवाज ही नहीं आ रहा सर। अरे मेरे को बंद ही किया ना, सॉरी अनम्यूट ऑफ। सिंह अपना वीडियो ऑन करो। देव समंता नीलम शिल्पीजा चालू है। शिल्पीजा पेरेंट्स का फोन दो। ओके ओके हितेशन पेरेंट्स का फोन दो और वीडियो ऑन करो। ज्योति शुक्ला, साधना शुक्ला, उमायदा शेख, प्रतीक गोरी वाले, हेलो आरती पाल, अरे आराधना पाल, प्लीज सब अपना वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो बस। बोलिए सर। हाँ रुक जाइए थोड़े देर। दिक्कत सिंह रिया यादव, हमारे पेरेंट्स पाल, वीडियो ऑन है ना? तो इधर घूमना। हाँ ऑलमोस्ट तो हो गया है, कुछ लोग बाकी है। स्नेहा विश्वकर्मा, रमा शेट्टी, ना मैं चाय पी वाला बस नहीं है बगा। आवाज है। गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। और लास्ट टाइम हमने बोला था कि टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे,
ओके टेस्ट के लिए हमने कल से को पेपर भेजा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया नहीं, सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया नहीं, पेरेंट्स आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दो टेस्ट के लिए। पेरेंट्स ने किसी भी पेरेंट्स ने मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 20% पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बच्चे का जो पेपर था वो सॉल्व करके भेजा है, सिर्फ 20%, बाकी 80% पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स को पूछा ही नहीं शायद, और 80% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका आंसर ही नहीं आया। लोग प्लीज वो टेस्ट के लिए जरा देखिए, जो पेपर है तो आप लोगों को ही कंडक्ट करके भेजना है, बच्चे क्लास में तो नहीं आ पाएंगे। दूसरा टेस्ट ये हुआ, लास्ट टाइम भी कुछ थे, फर्स्ट टेस्ट में भी इतना बोलने के बाद भी फर्स्ट टेस्ट में भी नहीं थे, और सेकंड टेस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे। अगर पेरेंट्स को नहीं पता है तो हम लोग वो नाम ले रहा हूँ मैं कि कौन से स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है टेस्ट वाला, नाम सुन लीजिए, शायद आपके बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो। रोहुल खांबे, स्वयं खांबे, रिश कदम, उज्जवल सिंह, रूफ डांग, लतिका जम्बुलकर, अम्मार शेख, अगर पवार, श्रावणी आयरे, गौतम मिंद्रा, देव सामंता, हेलो।